एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, इन एंड ऑफ कांटेक्ट है, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट है, आप दोनों का बातचीत नहीं हो रही है, ओके, किसी तरह कम्युनिकेशन नहीं है। सो ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। सो उनके पार्टनर उनके लिए आज रात क्या महसूस करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो नो कांटेक्ट वालों के लिए है ये आज रात की फीलिंग्स, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि नो कांटेक्ट में नाइट की फीलिंग्स के लिए, सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ओके। सो चलिए देखते हैं, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है ताकि उनकी एनर्जी जो है वो पिक हो सके अच्छे से। इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आज रात क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वॉल्ट, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है आपके पार्टनर की राशि। सर सैबोटेज की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली सैबोटेज किया हुआ है, किस तरीके का चीटिंग, धोखा आपके साथ हुआ है, ठीक है, जिसके कारण इनको इनपुट्स करने में आपकी तरफ या किसी तरीके से आपकी तरफ बढ़ने में, कंसर्न करने में बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में हैप्पी देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, आप हैप्पी हो अपने लाइफ में। सो ये किसी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और इनको डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आपकी तरफ बढ़ने में। इस नो कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो सारे लेसन्स और वो सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, ठीक है। एटीट्यूड नहीं कह सकती, बट हाँ, किसी तरीके का कोई ऐसी किस तरीके से ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये झुकना पसंद नहीं करते, अपने आप पे लाइक प्राउड फील करते हैं, या किसी तरीके से किसी पर्सन के सामने नहीं झुकते। इनको ऐसा लगता है कि जो ये समझते हैं, जो ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वही सही है, ठीक है। बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, इन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखा हुआ है, या किस तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके तरफ किसी भी तरीके से झुकना पसंद नहीं कर रहे, या फिर इनको ऐसा लगता है अगर आपको बात करनी है, आपको रिकनसाइल करना है, सो आप इस रिलेशनशिप में वर्क करो, पर चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें सही हो जाए, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए वापस से सारी चीज़ें सही हो, या आपको दूर से देख के लाइक फील ज़रूर करते हैं, ठीक है, आपको दूर से देख के बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इनका ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना, या किस तरीके से आप दोनों में वापस से वो एक सारी चीज़ें सही हो पाना, कहीं ना कहीं इनको को होप्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, किस तरीके के कोई होप्स इनके अंदर नहीं बची है, ऑनेस्टली लाइक ये फील कर पा रहे हैं अंदर से, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप दोनों में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो पास्ट में हुआ करती थी, ठीक है। आपकी एनर्जी इनको बहुत ही ग्राउंडेड फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है बहुत सेफ चल रहे हो, ग्राउंडेड एनर्जी में आ गए हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर एक न्यू स्पार्क आ गया है जिसमें आप बहुत खुश, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उल्टी समझ में आ रही है, या किस हो सकता है आप अपने लाइफ में सच में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसके कारण इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बहुत ही चिड़े चिड़े से रहते हैं अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हो या आगे बढ़ते हो, या इनको किसी तरीके से पता चलता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, सो ये चिड़ते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके पास 10 मिन्नतें करो, आप इनके पास झुको, आप इनको मनाने की कोशिश करो, बट जैसे ही आप इनके लाइफ में जाते हो, सो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ये क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस करवा देते हैं, रूट फील करवा देते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि भाई इस व्यक्ति को मैंने क्यों कॉल करा, ठीक है, क्यों मैंने अपनी एफर्ट्स या एनर्जी डाली इसके अंदर, बिकॉज़ यहाँ पे जो है दी सन की एनर्जी है। सो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से जाओ, ठीक है, ये आपके साथ एक हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, आपके साथ जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर आपको खो देते हैं, ठीक है, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, बट ये आपको खोना नहीं चाहते, डेफिनेटली हर हाल में ये चाहते हैं कि ये आपको पा ले, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुकी है, ठीक है, ना आप ओवरकम कर पा रहे हो, ना ये ओवरकम कर पा रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ें ओवरकम होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप दोनों ही अपने लाइफ में न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, नए लव को फील कर पाओ, ओके।
आपसे चाहते ज़रूर है कि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो बेटर हो जाए, बट ये पर्सन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वापस से सही हो सकती है। ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट इनके एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ मैं वाली एनर्जी है कि मैं हूँ तो सब कुछ हो जाएगा, मैं हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अड़ियल बने हुए, ठीक है, किसी तरीके की कोई नाराज़गी मुझे इनके अंदर नज़र आ रही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में इतना भयंकर लेवल का हुआ है, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके अंदर इनके अंदर ना एक एटीट्यूड आ गया, इनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड जो लाइक इनको ऐसा लगता है कि भाई जो ये करते हैं ना अपनी लाइफ में वो सही है, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पे सोचने या समझने की एनर्जी में है ही नहीं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आ रही है। उनका ऐसा लग रहा है कि जितना भी प्रयास कर लिया जाए कहीं ना कहीं आप दोनों ही आगे नहीं बढ़ सकते, टावर की एनर्जी है। आप दोनों में जो ब्रेकअप हुआ है वो डेफिनेटली हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है, ओके। नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि, ठीक है। सो ब्रेकअप जो हुआ है वो कोई ना कोई थर्ड पर्सन या किसी तीसरे रिलेशनशिप या किसी तीसरे सिचुएशन की वजह से आप दोनों में ये घटित हुआ है, ठीक है। दी टावर की एनर्जी जो आई है वो कहीं ना कहीं आप दोनों में रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के लाइफ में एक ऐसा भयंकर लेवल का तूफान आया है या ऐसे भयंकर लेवल से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, ठीक है। आपने अपने आप को साइड कट किया है, डेफिनेटली आप साइड हो गए इस रिलेशनशिप से। जब आपको पता चला कि आपके पार्टनर किसी और के साथ एंगेज कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सो आप कहीं ना कहीं अलग हो गए, ठीक है। आपको अलग होना ही सही लगा, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि भाई हो जाते हैं अलग, ठीक है, बहुत मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये वाला एटीट्यूड था आपके पर्सन के अंदर, बट करेंटली इनकी जो हालत है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इन्हें मुझे पता है कि इनके इंटेंशन में क्या है, इंटेंशनली ये क्या सोचते हैं, चाहते क्या है इस रिलेशनशिप से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत को, एक न्यू बिगनिंग को, और ये भी चाहते हैं कि आप इनसे झूठ मत बोलो। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है कि आप इनसे झूठ बोलते हो, किस तरीके से आप ट्रुथ इनसे लाइक सच्चाई छुपाते हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप मल्टीपल्स लोगों से डील करते हो, या आप इनसे आपके दोस्तों के रिलेटेड, आपके लाइफ के रिलेटेड, अपने आप के रिलेटेड आप बहुत कुछ छुपाते हो इनसे, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बट लाइक इनको आउटकम कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये आपकी तरफ ओवर थिंकिंग करते ज़रूर है, ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट किस तरीके से इनको चीज़ें पता नहीं चल पाती या पिक नहीं हो पाती है। सो इनको काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, काफ़ी थिंकिंग करते हैं ये, बट इनको समझ में नहीं आती कि चीज़ें क्या सच में इनके लिए ग्रोथ ला सकती है, क्या सच में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही हो सकता है। सो किसी तरीके से ट्रस्ट इशू तो है, ठीक है, एक लंबे समय बीतने के बाद, बहुत ज़्यादा एक लंबा समय बीत चुका है जिसमें आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में वापस से ट्रस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप जो है वो हील नहीं हो सकता। इनको ऐसा क्यों लगता है, इन बस मुझे बताइए ऐसा क्यों सोचते हैं कि रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता, क्या है इनके माइंड में। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके पर्सन आपको मैच्योर नहीं देखते, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे ये आपके साथ फैमिली के बारे में सोच सके। इनको ऐसा लगता है कि हर एक छोटी बात में आप इनको किस तरीके से गुस्सा करते हो इनके ऊपर, या इनके फॉल्ट निकाल देते हो आप, या 10 गलतियाँ गिना देते हो, ठीक है। हालांकि आपके नज़र में सही हो अगर ये कुछ गलती करते हैं, सो आप इनको बहुत ही प्यार से समझाते हो कि आपकी गलती यहाँ यहाँ रही है, ठीक है, बट आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं उस समझाने को या उस बात को बहुत ही नेगेटिव वे में ले लेते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो कि आपके साथ फैमिली बना पाए, आगे बढ़ पाए। अगर ये आपके साथ फैमिली बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है, बिकॉज आप मैच्योर नहीं हो, आपके अंदर एक बिचकानी हरकतें हैं, ठीक है, आप स्टेबल नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो, सो 10 गलतियाँ ये निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आ जाते हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लग जाते हो, सकता है इस पर्सन को आपने ओवर लव दे दिया है, ठीक है,
जिसके कारण इनका ये माइंड शेड बना हुआ है। डेफिनेटली आई फील कि आपने अपने तरफ से कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल दी है, या इनको लव बहुत ज़्यादा दे दिया है, या किस तरीके से आपने ये जता दिया है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, या तो आपने इनको बच्चों की तरह ट्रीट करा है, ठीक है, ट्रीट आपने बहुत अच्छा से करा है अपने पार्टनर को, जिसके कारण इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार करने के लिए सही हो। ठीक है, आप प्यार करने के लिए सही हो, आपके साथ समय बिताया जा सकता है, आपके टाइम स्पेंड करा जा सकता है जिसमें आप दोनों खुश रहो, ठीक है, आप दोनों हैप्पी रहो। एक ऐसा रिलेशनशिप जो फ्रेंड विथ बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। सो आपके साथ सारी चीज़ें करी जा सकती है, बट आपको लाइक एज अ मैरिज मटेरियल ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो ऐसा है पल भर में सही है, सो पल भर में टूट भी सकता है। आप किसी तरीके से बहुत नाराज या गुस्सा हो जाओगे, सो रिलेशनशिप को आप तोड़ भी सकते हो, ठीक है। सो मैरिज जो होता है वो लाइक बंधन होता है, ठीक है, 7 जन्मों का बंधन होता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है बहुत लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। मैरिज एक ऐसा बंधन होता है जिसमें लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो ये आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर भी मानते हैं, हालांकि ये आपके पार्टनर की इंटेंशन है, फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। मैं अगेन बता रही हूँ कि आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये सब कुछ सोच रहे हैं, मैरिज रिलेटेड आपको देखते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो मेच्योरली आप एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है आपके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आपके बचपना को कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, हालांकि मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि किस तरीके से ये आपको अगर अपना बनाते हैं या आपके तरफ ये आते हैं, सो आप 10 गलतियाँ इन पर निकालोगे, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो ये चीज़ें घूम भी सकती है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिविटी को, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है डिवाइन टाइमिंग को, सो एक सही समय आने पे इस पर्सन की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं चेंज जरूर होगी, और ये पर्सन कुछ अच्छा और पॉजिटिव सोच पाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छा कुछ सोच भी पाएंगे, और इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट्स ये दे भी पाएंगे आने वाले समय में, बट करेंटली इनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ देखते हुए कि चीज़ें इस टाइम पे तो सही नहीं हो सकती, बट ये आगे जाके सही जरूर होंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, ठीक है। अगर समय अभी ऐसा है तो टोटली ये पलट जाएगा, ठीक है। सो ये सही भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो समय का पहिया कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा, ओके। सो मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 19, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 10, 10 मुझे 3 times दिखा है। सो हो सकता है एंडिंग बहुत क्लोज है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो एक ऐसा कोई तो एक ऐसी एनर्जी है, वो या वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी जो इनकी लाइफ से बहुत जल्द रिमूव होने वाली है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उस सिचुएशन को रिलीज़ करने के लिए अपनी लाइफ से, हो सकता है कि आने वाले कमिंग टाइम में ये सिचुएशन रिलीज़ हो इनके लाइफ से, ठीक है। कुछ ना कुछ बर्डन है, सो ये चाहते हैं कि वो पहले रिलीज़ हो जाए, देन ये आपको अप्रोच करें, ठीक है। सो ये आपको अप्रोच करेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है इनके लाइफ में जिसके कारण ये न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, और ये आपको नाइट में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको नाइट में बहुत मिस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड जो है वो 4 of Swords का भी है, बॉटम ऑफ दी ऑल ओवर एनर्जी, ठीक है। से मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। 12th sign की रीडिंग थी ये, ठीक है, बट जो स्ट्रांग साइन थे मैंने आपको बता दिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में, बाय गाइज़।